सब्सक्राइब कीजिए जुगांतर धारा को और बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए। हाँ गाइज, आपको आज के लिए लेके आया है फेसबुक का नया फीचर के बारे में। क्या है फेसबुक का नया फीचर वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहे और वीडियो को देखते रहे और जाते जाते अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज जिस टॉपिक में बात करूँगा वो फेसबुक का नया एक फीचर्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फेसबुक अगर आपको नया फीचर से मिलने के लिए फेसबुक का अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाके फेसबुक का अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद ये जो थ्री लाइन है, थ्री लाइन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा मोबाइल टॉप अप। मोबाइल टॉप अप में क्लिक कीजिए। देखिए मोबाइल टॉप अप में क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में पहले जो मोबाइल इंटर मोबाइल नंबर, इंटर मोबाइल में किसी भी नंबर दबा दीजिए। जैसे मेरा मोबाइल नंबर दबा दिया। उसके बाद नेटवर्क सिलेक्ट कर, नेटवर्क ऑटोमेटिक भी आ जाएगा तो नहीं आएगा, नेटवर्क भी सिलेक्ट कर लीजिए। नेटवर्क कैसे सिलेक्ट करना है, अगर ऑटोमेटिक नहीं आएगा तो ऐसे करके आइडिया है वोडाफोन है कि जिसका नंबर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इंटर अमाउंट दबाइए, कितना रिचार्ज करना है, रिचार्ज का अमाउंट दबा दीजिए। जैसा मैं दबा दिया 10 रुपीज़। और टॉप अप में क्लिक कीजिए। टॉप अप में क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद जो ऑर्डर डिटेल्स आ गया है, आपको कैसे 10 रुपीज़ आपको पे करेंगे, पे कैसे करेंगे, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आप किसी भी से इसको पे कर दीजिए। तो मैं करता हूँ UPI में UPI पेमेंट करता हूँ और ऑर्डर प्लस में क्लिक कर देता हूँ। UPI ऑर्डर प्लस में जैसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। UPI सेलेक्ट करके पेमेंट कर।